कराची प्रेस कॉर्नर से और मैं यहाँ गिलगित में मौजूद हूँ, बल्कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है क्योंकि जो आज मेरे पास जो मेहमान हैं, मैं इतनी सी एक लाइन में अगर बात कर कह दूँ कि वो शहीद के वालिद हैं और वो शहीद जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दी और वो वालिद के साथ साथ उनकी दीगर कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी गई हैं गिलगित के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं केयर टेकर CM गिलगित बल्तिस्तान के मीर अफजल खान साहब और जिन शहीद की मैं बात कर रही हूँ आप सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो डेरा इस्माइल खान में अपनी जो जान दी और जान का नजराना हमारे लिए दी, पूरे मुल्क के लिए दी, कर्नल मुजीबुर रहमान साहब के वालिद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं आपकी जिस तरह से आपकी तबीयत डाउन थी आपने फिर भी हम कराची से आए और आपने टाइम दिया इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ। और क्योंकि मैं बात कर रही थी कि आप शहीद के वालिद हैं और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला ऐसे वालदैन लाता है दुनिया में और ऐसे बच्चे पैदा करता है जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान हर चीज़ कुर्बान करने के लिए होते हैं। तो सर मुझे आप ये बताएं क्योंकि हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही हम इंडिया की भी बात करते हैं क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं उनकी निगाहें हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों पर बहुत बुरी हैं और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं नुकसान हो। और इसी तरह से हमारे कर्नल मेजर्स और ये जो नौजवान आ जाते हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, सर आप पहली बात इन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो आपकी बड़ी मेहरबानी, इतने दूर से आप आई हैं और इस एहसास के साथ आई हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे आखिरी हिस्सा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान हेड है, सर है पाकिस्तान का। और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये गाजियों और शहदा की सरजमीन है। आज अगर आप उठाकर गांव-गांव फिरें तो कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर पाकिस्तान का झंडा कब्रिस्तान में न लगा हो। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है और उन शहदा की, उन गाजियों की के तुफैल है जिनकी वजह से आज हम यहां आज़ादी का सांस ले रहे हैं। आप यहां आ गई हैं कराची से, अगर ये कुर्बानियां ना होती तो ना आप यहां होती तो ना हम यहां होते। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है उनके, उन शहदा के खून के तुफेल आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बेहतरीन खूबसूरत मुल्क है जिसके अंदर पहाड़ भी हैं, जिसके अंदर दरिया भी हैं, जिसके अंदर सब्ज़ार भी हैं, जिसके अंदर आबशारें भी हैं और जिसमें सबसे बड़ी बात 4 मुख्तलिफ मौसम हैं हर किस्म के। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान की नज़रें क्या, वो हिंदुस्तान तो खैर बनिया आदमी है, वो तो हर वक्त हमारी तरफ अपने बनियापन की निगाह से देखता रहेगा, लेकिन उसकी नज़रें उधर ही हमारे। जब तक ये गाजी जिंदा हैं जो अभी हैं, पाकिस्तान के हमारे वो मुजाहिद, पाकिस्तान के वो कर्नल, पाकिस्तान के वो सिपाही, सिपाही से लेकर जर्नल तक, सब अपनी जानों की कुर्बानी देकर कौम के बच्चों की जानों को, कौम के बच्चों की असमतों को बचाते हैं, ये हम उनको सलाम पेश करते हैं। सर जो आपके शहजादे थे आप, क्योंकि वो उनको शहादत नसीब हुई, हर एक को नहीं होती, तो कुछ उन दिनों के हवाले से बताएं क्योंकि जब इस तरह की जब चीज़ होती, कोई आखिरी दिनों में उन्होंने कोई ऐसी बात की हो और उनको कोई ऐसी चीज नजर आ रही हो कि अल्लाह ताला ने उनको कौन सा रुतबा आगे अदा करना। उसका मैं एक वाक्य बता दूं, उन दिनों में इस्लामाबाद में था खुद, तो वो किसी ऑफिशियल विजिट के सिलसिले में आए हुए थे। चूंकि काउंटर टेररिज्म में ISI का एक बहुत बड़ा इदारा है जो दहशत गर्दों के साथ निपटता रहता है, दुश्मनों के साथ, उसमें वो था। तो मुझसे मिलने के लिए आ गया वापस जाने से पहले, वो तकरीबन 42 घंटे पहले, शहादत से 42 घंटे पहले वहाँ आया। उसके हाथ में 2 मोबाइल सेट थे, तो एक उठाता था, बात करता था, वो नीचे अभी रखा नहीं होता तो दूसरा बजता था। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो कह रहा था कि डोंट वरी आई एम कमिंग।
बिल्कुल दे दें, उसको गाड़ी भी दे दें, पैसे भी दे दें, मैं पहुंच रहा हूं, मैं इंशाल्लाह ताला रात के 10 बजे तक आपके पास आ जाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है, हौसला रखो। तकरीबन कोई 20-30-25 मिनट वो उसी में लगा रहा, आखिर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास आए हो तो कुछ दो बातें मेरे साथ भी कर लो। तो कहने लगा बस अबू क्या करेंगे, ये बस एक जिम्मेदारी है, करना पड़ता है। मैंने कहा दो बातें मेरी सुनो। मैंने कहा एक, कभी भी वॉलंटियर मत हो जाओ, क्योंकि वॉलंटियर में ये होता है कि अगर कोई नेगेटिव वो आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तो इंसान को पशिमानी होती है। और जहाँ कुदरती तौर पर आपका होता है वहाँ चले जाओ। और दूसरी बात मेरी ये सुनो, जब भी जाओ तो बावजू चले जाओ, दो रकात नफल पढ़कर जाओ, और एहतियात करो, हमेशा एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम फुल कर्नल है, तुम्हारे साथ और भी जवान होंगे, उनको आगे करो। तो उसका जवाब ये था कि मौत का वक़्त तायन है, मुकर्रर है, उसने ना आगे आना है ना पीछे आना है, अपने टाइम पर अपनी जगह पर आना है। जिसकी तस्दीक उसकी बीवी ने, हमारी बहू ने, बाद में उसने भी किया उसकी शहादत के बाद। वो कहती है कि मैंने कई मरतबा उससे पूछा कि तुम्हारे साथ और अफसर नहीं है, तुम्हारे साथ और जवान नहीं है, हमेशा तुम ही चले जाते हो। तो कहने लगा कि क्या मैं यहाँ बिस्तर में रहूँ तो मौत नहीं आएगी। मतलब कहने का मौत उसका यकीनी था, उसको अंदाजा था कि मैंने मरना है, शहीद होना है। वो अल्लाह ताला ने उनको दे दिया शहादत का रुतबा। और मुझे फख्र है कि आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, तो ये अल्लाह की मेहरबानी। और नहीं सर, ये हमें अल्फाज नहीं, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं, ये कहना कि अपने बच्चों को, अपने जवानों को देना मुल्क के लिए, कह देना, और क्योंकि आई एम ऑल्सो मदर, और जिस तरह से बच्चा बड़ा होता है और फिर अपनी नज़रों के सामने, और फिर वो वालदैन हो और बच्चा चला जाए, सर ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम जिस तरह से जब हम आ रहे थे, मैं अपनी कोलीग से जब डिस्कस कर रही थी, तो ये वो इस बात पे भी कह रहे थे कि हमारा आप सलाम दीजिएगा उन शहीद के वालिद को। बड़ी मेहरबानी। और ये मैं सीरियसली कराची से आने की मकसद ही यही था कि आपसे मुलाकात हो सके, नीयत ही यही थी। और अल्लाह ताला ने इस मामले में, आप यकीन माने, इतनी आसानियां की हैं इस सारी चीज़ों को लेके। और आप सही बात कह रहे हैं, उन्हीं शहजादे की वजह से ये सब है, ये आज हैं, हम बैठे हैं और हम बात। मुझे, मैं कतर कलामी माफ, मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेलीफोन आ गया दूसरे तीसरे दिन। मैं गांव में था, हमारा गांव यहाँ से पीछे तकरीबन 40 किलोमीटर डाउन पहुंची एक गाँव है, वहाँ पर हम थे। टेलीफोन आ गया तो जनरल साहब बहुत बहादुर से पसंदार है हमारा, इनका कहना था कि हाजी साहब एडवांस में कभी भी इस रैंक का अफसर नहीं जाता, एडवांस में ये पीछे रहता है। लेकिन मैंने उसकी हिस्ट्री पीएमए से, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से टटोला है, और ये पीएमए से ही एज ए कैडेट वॉलंटियर होता हुआ आया है। तो कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हम होंगे या नहीं होंगे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपने अल्फाज हैं, लेकिन कर्नल मुजीब जब तक पाकिस्तान कायम है अल्लाह कायम रखे, जिंदा रहेगा। सर, कर्नल साहब की बात हो रही है, मुजीब रहमान साहब की बात हो रही है, मुझे मतलब बचपन में वो क्या इसी तरह से थे, जिस तरह से जिसने कहा फ्रंट पे आना और फिर दुश्मनों के सामने इस तरह से मुकाबला करना। वो बचपन से, ये मैं क्या बताऊं अभी आपको, लड़ाई मार कुटाई से भरपूर थे। यहाँ तक मशहूर था कि जो भी आता था, मैं घर से निकलते वक्त कहता था बेटा पढ़ना है, मेहनत करना है,
तो हमारे एक रिश्तेदार औरत मेरी साली लगती थी, मेरी मरहूमा बीवी की बहन थी, उसने कहा कि मेरा नाम देकर मेरा अफजल खान तो कहता है बच्चा पढ़ो, लड़ो नहीं कहता, ये तो पीछे लड़ते तो थे आदतन वो था उसी तबका था, आगे बढ़ना निडर था, बहुत ज्यादा निडर था। फौज में जाने का फैसला उनका था, आपका था, किसका था? नहीं नहीं उसका अपना था, उनका था, उनको वही था कि मुझे यहाँ पे जाना। बिल्कुल हाँ, मेरा तो ये था कि मेरे छह बेटे हैं, सभी पांच अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, एक वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने पांच बेटों को फौज में धकेल दिया था, दो नाकाम हो गए, तीन कामयाब हो गए, दो नाकाम हो गए, एक अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में, एक किसी बैंक में मैनेजर है, एक घर में है बैठा हुआ कारोबार करता है, ठेकेदार है, एमए तक उसने भी पढ़ा है लेकिन कारोबार ही चलाता है। तो हमारी तो कोशिश थी, बल्कि पिछले दिनों जनरल साहब इस्लामाबाद में मेरे वो शहीद बेटे के बच्चों को घर मिला है, वहाँ बैठे हुए थे, जनरल साहब अपनी बेगम को लेकर ताज़ियत के लिए आ गए वहाँ, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वहाँ गपशप हो गई, तो मैंने कहा जी मैं तो चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ आगे, लेकिन मेरे नवासे हैं, मेरे पोते हैं, मेरे भांजे हैं, इन सब को मैं फौज में भेजना चाहता हूँ। तो हंसते हुए कहने लगा यार सीएम साहब इतनी जगह हमारे पास नहीं है, कहा हंसते हुए उसने मैंने सुना है उन जो कर्नल साहब जो थे उनकी जो जो बेटे हैं जो बड़े हैं उनका ये कहना था कि मेरे छोटे बहन भाइयों को मत बताना कि अब्बा। यस, ये जब सर आप तो आपको अल्लाह ने जो इज्जत दी है ये मेरे मैं आप जब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे सर, क्योंकि ये चीज़ अल्फाजों में भी शायद बयान ना हो सके, क्योंकि कर्नल मुजीब रहमान साहब की वजह से जो इज्जत हमेशा रहने वाली, और सर मौत तो बरहक ही है, हमने भी जाना है आपने भी जाना है, वी नेवर नो हमने कैसे जाना है पता नहीं है बिल्कुल। और ये उस बच्चे का बहुत बड़ा कमाल है, ये मैं बताता हूँ आपको। कहते हैं मैं तो खैर वहां था नहीं, जब खबर आ गई तो उसने मकान का दरवाजा बंद कर दिया। सर ये अल्लाह का करम है आपकी आपकी फैमिली पर, लोग दुआएं मांगते हैं शहादत के लिए और आप बहुत बहादुर हैं, बहुत इतने बहादुर हैं सर कि अभी गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारियां आप देख रहे हैं, ये उस रब की अता है। सीरियसली ये दुनिया तो वाकई आर्जी है सर, ये तो बस मर्तबे रुतबे ये तो सारे दुनियावी ये उस बच्चे की बहादुरी को मैं सलाम पेश करता हूँ सर, हम सब सलाम पेश करते हैं कि उसने कहा कि मेरे छोटे सर वो अपने बाप पे गए हैं, जिस तरह से वो खुद भी जिस तरह से बहादुर हैं छोटे उनके शहजादे, उनका नाम क्या सर? मुस्तफा, मुस्तफा नाम है। तो सर क्योंकि उन्हें उन्हें भी पता कि आगे उन्होंने भी अपने वालिद का नाम जो है रोशन करना है, जिस तरह से आपके बेटे ने आपका नाम रोशन किया इसी तरह उन्होंने, इसी तरह से ये सिलसिला हमेशा कायम होता रहेगा इंशाल्लाह। और सर अब क्योंकि आप आपके शहजादे ने कर्नल साहब ने कर्नल मुजीब रहमान साहब ने इस मुल्क के लिए पाकिस्तान के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए सबके लिए अपनी जान का नजराना दिया, और सर इसकी ये जिम्मेदारी आप पर है, तो हम थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी जानना चाहेंगे। जरूर बिल्कुल, अभी इसी तरह से काफी आंसू निकल आए हैं तो अभी बात मेरे ख्याल में चेंज ओवर हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। सर अल्लाह आपको खुश रखे, आपको जिंदगी दे, आपके आने वाले बच्चों को खुशी दे, जिंदगी दे और खुशियाँ देखें। तो सर क्योंकि वो आप पे जिम्मेदारी है एज ए सीएम, तो लोग कोई एक्सपेक्टेशंस तो होंगी उन्होंने और ज़्यादा, क्योंकि आपके शहजादे ने जान देके और एक्सपेक्टेशंस का लेवल भी इतना बढ़ा दिया है, तो वो उनके वाले से भी ये एक्सपेक्ट करती होंगी कि गिलगित बल्तिस्तानों के लिए बेहतरी आ सके, अभी इलेक्शन भी हैं। इस हवाले से हमारी दुआ है बेटा, मैं आपको बताऊँगा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम इलाका है,
इसकी इम्पोर्टेंस स्ट्रेटजिकली देखें कि एक तरफ आपका इंडिया है, एक तरफ आपका चाइना है, एक तरफ आपका सेंट्रल एशिया की रियासत है वाखान कॉरिडोर में, दूसरी तरफ आपका अफगानिस्तान है, और ये हेड है। अगर किसी जिस्म के हेड को जिस्म से अलग कर दिया जाए तो जिस्म की क्या पोजीशन होगी। ये स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलाका है। उसके ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं और इसकी अहमियत और बढ़ गई है जब चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम हो गए। चाइना के साथ हमारा सी पैक के थ्रू एक तजारत का वो सिस्टम शुरू हो गया तो हमारी अहमियत और बढ़ गई है। और मुझे फ़ख्र है अपने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों पर, अपने गिलगित बल्तिस्तान के बासियों पर, गिलगित बल्तिस्तान की बेटियों पर, माओं पर, जो फ़ख्र से कहती हैं कि हम अपने बच्चों को फौज में भेज दें, अपने बच्चों को फौज में भेज कर शहादत का रुतबा हासिल करा दें, गाजी बन जाएं। और ये इस सरजमीन की आज़ादी जो है वो यहाँ किसी बैरूनी ताकत ने आकर आज़ाद नहीं कराया, ये यहाँ के अपने लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक मजबूत दुर्गव फौज को यहाँ से बाहर कर दिया, आज़ाद करा दिया। तो इनके अंदर वो पोटेंशियल, वो टैलेंट, वो बहादुरी का वो खून मौजूद है। और इंशाल्लाह ताला मुझे ये फ़ख्र है कि सिर्फ अपने बेटों पर नहीं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर भी वो टैलेंट मौजूद है, कुर्बानी देने का जज्बा मौजूद है। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस वक्त दुनिया में हमारी पाकिस्तान आर्मी ने अपना लोहा मनवाया है। जहाँ भी पीस कीपिंग की बात आती है, दुनिया वाले डिमांड करते हैं कि पाकिस्तानी फौज आ जाए, और पाकिस्तानी फौज में फिर हमारी एक नादरन लाइट इन्फेंट्री एक रेजिमेंट है जिसमें तकरीबन 75% 70% नादरन एरिया के लोग भर्ती होते हैं, उन्हीं का डिमांड होता है। ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर। ये तो बड़ा एक तो खुदा का करम है कि आप जिस सरजमीन से और जिस इलाके से हैं वहाँ के लोग भी कितने बहादुर हैं उस हवाले से ही। तो सर मुझे आप ये भी बताइएगा कि जो अभी हालिया इलेक्शन है, अब थोड़ा सा मैं उस तरफ जाना चाहूँगी कि हर बड़ी पार्टी अपनी कैंपेन को रन कर रही है और इल्ज़ाम एक दूसरे पर चल रहे हैं, कितनी सदाकत इन इल्ज़ाम पर, इलेक्शन आने वाले दिनों में क्या सच्चाई है? आपने आज से पहले कितने इलेक्शंस को होता हुआ देखा है? ये इल्ज़ामात लगाना एक दूसरे के ऊपर, और जायज़ हूँ या गलत हूँ या सही हूँ, इसको एक तरफ छोड़ दें। ये इल्ज़ामात लगाना इलेक्शनियरिंग का एक पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं, कुछ भी हकीकत नहीं है। वो कहते हैं अंग्रेज़ी में एक मिसाल है कि जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है, इसी तरीके से इलेक्शन में इल्ज़ाम लगाना तकरीबन इनडायरेक्टली जायज़ समझा जाता है। वो कि गलत थे लफ्ज़, मुझे ये नहीं कहना चाहे, लेकिन इल्ज़ाम लगाना ये इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ द इलेक्शनियरिंग। जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ी सी शायद आप मुझे करेक्ट कर सकें क्योंकि मैंने आम लोगों से भी जाके बात की है और हमेशा हम देखते हैं कि जो वफाक में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनती है। और मैंने लोगों से जब बात की तो लोगों का भी आम तौर पर यही है कि जो वफाक में हुकूमत है वही आनी चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, आनी चाहिए वाली बात बाज़ लोग इसलिए कहते हैं कि अगर वफाक की हुकूमत और हो गई, गिलगित बल्तिस्तान में और हुकूमत आ गई, तो चूंकि हमें जितनी एड मिलती है वो वफाक से मिलती है, हमें जो सपोर्ट फाइनेंशियल मिलती है वो वफाक से मिलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये होगा, अब हमारा सूबा एक किस्म का प्रोविजनल आइनी प्रोविजनल सूबा बन गया है। तो इस सूबे के बनने के बाद एक आध महीना लगेगा इसमें, इसका जो प्रोसेस होगा
ترمیم لانا آئین میں دوسری تیسری چیزیں ہیں. بننے کے بعد این ایف سی ایوارڈ میں آپ کا حصہ بن جائے گا, سروسز میں آپ کا حصہ بن جائے گا, تو اس کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہوگا. وفاق والا جو سلسلہ لوگ آزادی کے ساتھ اب پھر ووٹ ڈال جاتے ہیں, ووٹ ڈالنا شروع, کیونکہ ان کا یہی لگ رہا ہے کہ دھیان کہ وہاں پہ ہے تو اس لحاظ سے, وہ کیونکہ کسی پارٹی کو بھی پسند کرنا چاہیں گے تو شاید وہ نہ جا سکے تو اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. سر ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سرزمین عطا کی ہے, تو یہاں پہ ٹوریزم کی بھی کیا جائے. آئی فیل لائک ہم گئے کچھ جگہوں پہ تو یو فیل لائک اس طرح سے کام ہو رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے, اس طرح اس طریقے سے تو نہیں ہو رہا ہے ایسا دیکھا جائے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی بہت بڑی مہربانی ہے, اس طرف توجہ دے رہی ہے اپنے پورے لگن کے ساتھ, پوری کوشش کے ساتھ. ٹوریزم ہمارے یہاں پر تین چار ریسورسز ہمارے پاس ایسے ہیں جن پر اگر کام کیا جائے تو پاکستان دنیا کو قرضہ دے سکتا ہے, قرضہ نہیں لے سکتا, نہیں لے لے گا. ہمارے پاس واٹر ریسورس, کل بھی میں نے کسی انٹرویو میں نے بتا دیا ہے کہ پانی کا, ہائیڈرو پاور کا ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم یہاں سے پوری دنیا کو جہاں جہاں بجلی کی ضرورت ہوگی ہم سیل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو سامنے پہاڑ نظر آتے ہیں اونچے اونچے, یہ بے غرض نہیں ہیں, ان کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں, ان کے اندر قیمتی منرلز چھپی ہوئی ہیں, ان کو اگر ایکسپلور کر دیا جائے. اتنے پہاڑی سلسلے ہیں, اگر آپ کبھی جہاز کے اوپر سے آ جائیں ہیلی میں دیکھ لیں تو میدانی علاقوں سے پہاڑی سلسلہ بہت زیادہ بڑا ہوگا. جگہ جگہ جھیلیں ہیں, ٹورسٹ ریزورٹس ہیں, پوٹینشیل موجود ہے. ہم اگر چاہیں تو باقی دنیا میں اتنی چھوٹی چھوٹی سوئٹزرلینڈ ہے, بنائی ہوئی ایک جگہ ہے, لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے, لیکن ہماری یہ قدرت نے بنایا ہوا ہے. یہاں ٹوریزم کا بڑا پوٹینشیل ہے. اگر ان سب کو سامنے رکھ کر اس کو ایکسپلور کیا جائے, اس کو ڈیولپ کیا جائے, تو مجھے میرا ایمان ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہاتھ اوپر ہوگا نیچے. ان شاء اللہ سر, اور کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم اسپیشلی کراچی سے آئے, کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے کیا فیلنگز ہیں کبھی کراچی جس طرح سے آنا ہوا, کیونکہ ہم کراچی کتنا گلگت بلتستان سے سو فار, اب ہم جب آئیں تو ہمارا ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا ہے, باتیں سننا الگ ہوتی, ایکسپیرینس کرنا الگ رہتا ہے, تو کراچی والوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کراچی, کسی زمانے میں کراچی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کراچی از مدر آف پورس, کراچی میں لوگ, غریب لوگ پلتے تھے, کراچی میں غریب لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے, رات کو کالج جاتے تھے, رات کو اسکول جاتے تھے, دن کو مزدوری کرتے تھے, جس کی وجہ سے کراچی کو پاکستان کے غربا کی ماں سمجھا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی کراچی جو ہے وہ ہب ہے جہاں سے پورے پاکستان کو فیڈ کیا جاتا ہے. یہ کراچی کی بہت بڑی صفت ہے. کراچی ایک کنارے پر ہے, ہم دوسرے کنارے پر ہیں, دو کناروں کے آپس میں مضبوطی سے پورا پاکستان مضبوط ہوگا. تو کراچی والے ہمیشہ زندہ رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں, اور ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں, محنت کرنے والے لوگ ہیں. وہاں کراچی والے سمندر کے طوفانوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں, سیلابوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں کہ ہم کراچی کو ابھی تک صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے. سر بات ہو رہی تھی کہ ابھی جس سے آپ نے کہا کراچی ایک طرف, گلگت بلتستان ایک طرف, لیکن کشمیر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے, تو کیونکہ آپ الحمدللہ یہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا, جو کشمیر ہے جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ اس آزادی کی اس نعمت سے محروم ہے, آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیر کے بارے میں تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا شہرک ہے, پاکستان مکمل نہیں ہے جب تک کشمیر پاکستان میں شامل نہیں ہو.
लेकिन हम दरमियान में तोहफा खा गए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की वजह से। वो हमारी पूरी कोशिश है, हम कश्मीर के लिए हैं, कश्मीर हमारे लिए है। जब तक कश्मीर, चुनांचे यही वजह है जिसकी वजह से आज तक 73 साल से हमें पाकिस्तान के साथ आइनी तौर पर शामिल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वजह से। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा और एक पाकिस्तान पावरफुल, माली तौर पर, ज़हनी तौर पर, फौजी तौर पर, हर लिहाज से एक ताकतवर मुल्क बन जाएगा। सर, मीडिया से वाबस्ता है, मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, और क्योंकि मैं जानना चाहूँगी आप एज CM आप क्या समझते हैं, चाहे यहाँ का मीडिया वहाँ का मीडिया क्या उस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? बिल्कुल निभा रहा है। मैं सिर्फ एक दो वजूहत हैं रिसोर्सेज की वजह। आप इस्लामाबाद में बैठकर, आप कराची में बैठकर वो रिसोर्सेज आप यहाँ, वो फैसिलिटीज़ आप यहाँ मतलब मीडिया वालों को नहीं दे सकती हैं जो वहाँ पर अवेलेबल है। ये हिस्सा बकदर जुस्सा यहाँ की हमारी जो मीडिया है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, और हमारी दुआ है इंशाल्लाह ये और आगे बढ़ेगी और फ्लोरिश हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा पैगाम हमारे, आप बहुत ही काबिल एहतराम हैं, शहीद के वालिद हैं, जितने पेरेंट्स हैं उनके लिए, मैं जिनके बच्चे हैं और जो भी बड़े होंगे और पाकिस्तान के लिए आगे काम करने जा रहे हैं, मैं चाहूँगी उनके लिए एक पैगाम आप प्लीज जरूर। मेरा आप पैगाम, एक शहीद के बाप होने के नाते, इस कौम का एक एल्डर होने के नाते, अपने बच्चों को यही पैगाम है कि सबसे पहले पाकिस्तान और सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले मुसलमान हम। वा तस्मु बिहब्लिल्लाह जमीया, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। जब तुम आपस में मजबूत रहोगे इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे जानबाज तेरे दिलेर चले आते। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ मौजूद थे CM गिलगित बल्तिस्तान के और शहीद के वालिद कर्नल मुजीबुर रहमान साहब के वालिद, और जो पैगाम इनका है वो पैगाम हमारी तरफ से है, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।